और चुराने के बाद हाथ बताना पूरा साल खराब कर देंगे। 500 लिए एक जींस दिखाऊं, जींस वो देख सामने भाई जेब से उसने फोन, मैंने जैसे जेब में डाला वैसे उसने फोन निकाला और फरहान भाई ने हमारा पकड़ लिया और चोर को भाई भीड़ देखो भीड़। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएनजे राइडर। तो यार आज संडे है और काफी टाइम से मेरे चैनल पे वीडियो नहीं आई है, आई है लेकिन मेरे अकॉर्डिंग नहीं आई है। तो आज मैंने एक छोटी सी राइड प्लान की है नोएडा से दिल्ली तक की। दिल्ली में हम कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली में जा रहे हैं हम चोर बाजार। और चोर बाजार जाने का सच कोई ऐसा रीज़न कोई नहीं है, बस ऐसे ही राइड करनी है, मॉर्निंग राइड करनी है तो इसलिए निकल रहे हैं। एक मैं हूँ, एक मेरा फ्रेंड बाइकर और है जो वेट कर रहा है मेरा, और एक और को जाना था जिसने जो फ़ोन ही नहीं उठा रहा, एक्चुअली फ़ोन ही नहीं उठा रहा। अब क्या रीज़न है आई डोंट नो, देखते हैं अब आगे और कौन कौन जाता है। वैसे हम लोग 6 लोग जाने वाले थे लेकिन अब शायद 4 लोग जाएंगे। टाइम ऑलरेडी 4:30 हो चुके हैं, जल्दी से निकलना है, जल्दी से लोकेशन में पहुंचते हैं, उन लोगों से मिलते हैं और फिर निकलते हैं आगे की जर्नी के लिए। तो जी फाइनली हम लोग अपनी लोकेशन में पहुंच चुके हैं और ये देखो, ये रे कुछ अपना, एक ये चीता और एक ये चीता है भाई हमारा राजीव, ये फरहान, दोनों के साथ भाइयों के साथ हम लोगों ने क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली है और फर्स्ट राइड कर रहे हैं हम लोग भाई के साथ। और राइड भी कहाँ कर रहे हैं, चोर बाजार। शक्ल देखो, चोर लोग चोर बाजार में। और लोकेशन ट्राई करो यार, लोकेशन कितनी प्यारी है। ये ब्रिज वैसे बहुत प्यारा लगता है, लाइटिंग वाइटिंग बहुत अच्छी है इसकी। ये भी दिखाऊंगा मैं किसी और व्लॉग में, ये दिखाऊंगा पक्का। ये बनते हुए जब जिस दिन इसका सेपरेट व्लॉग आएगा राइट, जिस दिन इसका उद्घाटन होने वाला था, योगी वोगी आए थे उस दिन शायद मैंने व्लॉग, हाँ 100% मैंने व्लॉग बनाया था। और जब ये लाइटिंग वाइटिंग हो गई है उसके बाद मैंने एक भी व्लॉग नहीं बनाया इसके साथ। तो मैं ट्राई करूँगा एक स्पेशली व्लॉग सिर्फ इसका आएगा। तो अब चलते हैं भाई, ज़्यादा लेट नहीं करते, लेट्स गो। तो ठीक है यार, यहाँ से हम लोग निकल गए हैं चोर बाजार के लिए। यहाँ से तकरीबन 20 मिनट हमें लगने वाले, 20 से 25 मिनट लगेंगे मैक्स टू मैक्स। और देखते हैं वहाँ क्या माहौल है यार, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ चोर बाजार के लिए। क्योंकि यार आज से तकरीबन 5-6 साल पहले मैं कभी जाया करता था और रेगुलर बेसिस पर जाता था चोर बाजार, बस ऐसे ही कुछ गैजेट वगैरह लेने या कुछ ऐसे एक्सप्लोर करने। दिल्ली एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा कीड़ा था उस टाइम पर, सिचुएशन चेंज होते गए, शेड्यूल थोड़ा सा कम होता रहा फ्री होने का, उसके बाद से हम लोगों ने फिर एकदम ही बंद कर दिया दिल्ली एक्सप्लोर करना। फिर से एक बार और ट्राई करने की कोशिश की है कि सुबह सुबह मॉर्निंग राइड किया जाए, सुबह सुबह उठ के बाहर घूमा जाए। तो ये मेरी संडे की फर्स्ट राइड है जहाँ मैं चोर बाज़ार जा रहा हूँ। और भाई आप मानोगे नहीं, सुबह के 4:30-5 बजे भी लू चल रही है यार, सुबह 5 बजे भी इतनी तगड़ी लू चल रही है कि मैं बता नहीं सकता भाई। हीट वेव्स आ रही हैं यार सुबह 4 बजे, कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि इतनी गर्मी होने का और फिर भी गर्मी लग रही है। ये मैं अभी पहुंच चुका हूं 52 के मेट्रो स्टेशन के पास, अंडरपास। इसके अंदर आप दिन में कभी आ रहे हो ना तो आप रिलेट कर पा रहे हो कितनी गंदी गर्मी लगती है यार, कितनी भयानक गर्मी लगती है इसके अंदर दिन के अंदर। रात को फिर भी ठीक है लेकिन रात में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है यार इसमें। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ यार, देखते हैं क्या फील आता है, क्या देखने को मिलता है, कुछ लेते हैं या नहीं लेते हैं, लेट्स सी। ये हमारे दो चीता राइडर फरहान और राजीव, फर्स्ट राइड है ये इनके साथ। भाई का हेलमेट तो बड़ा प्यारा लग रहा है, बाइक की बाइक भी बहुत अच्छी लग रही है। फरहान का हेलमेट थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि राजीव से ज़्यादा तगड़ा लग रहा है मेरे को फरहान का हेलमेट। भाई यार पेड़ लगाने बहुत ज़रूरी है, सुबह 4 बजे अगर ऐसी गर्मी है तो सोच सकते हो कि यार दिन में क्या ही हाल होता होगा। मेरा चीता है, ऐसे रैंडम प्लान बन गया था। कल शाम को हम लोग बैठे हुए थे ऐसे ही बातचीत कर रहे थे खेलने के बाद, और ऐसे बैठते बैठते प्लान बन गया कि यार चलो चलते हैं कहीं घूम के आते हैं। दिमाग में आया कि यार चोर बाजार में गोप्रो वगैरह, फ़ोन माउंट और ये सब एक्सेसरीज़ बहुत सस्ते सस्ते में मिल जाती है, तो इसलिए शाम को प्लान बना और सुबह हम लोग फिर निकल गए चोर बाजार एक्सप्लोर करने के लिए। तो जी फाइनली मैं नोएडा सिटी सेंटर के पास पहुंच चुका हूं। यहां से तकरीबन अभी 20 किलोमीटर रह गया होगा शायद, ठीक है पहुंच जाएंगे जल्दी। यहां से अपने को सीधे चलना है ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की तरफ, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से यू टर्न लेंगे और फिर निकलेंगे
दिल्ली की तरफ अक्षरधाम होते हुए चोर बाजार चांदनी चौक। मज़ा आ रहा है यार, मज़ा आ रहा है। मॉर्निंग राइड की ना एक अलग ही बात है भाई, अलग ही फील आता है मॉर्निंग में राइड करने का। जाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जी ये दिल्ली में एंट्री ले ली है मैंने, अभी मैं मयूर विहार पहुँचा हूँ। मयूर विहार फिर अक्षरधाम, अक्षरधाम से फिर हम लोग निकलेंगे लक्ष्मीनगर होते हुए चांदनी चौक। दिल्ली का टेम्परेचर फिर भी थोड़ा सा कंपैरिजन करें अगर नोएडा से ना, तो थोड़ा सा इधर लो लग रहा है। शायद मैं हाइट पे हूँ इसलिए लग रहा होगा। और ये ब्यूटी देखो यार, ऊपर से मेट्रो जा रही है, नीचे से हम जा रहे हैं, और इसके नीचे से भी कोई ना कोई जा ही रहा होगा। बेस्ट बेस्ट है ये, बेस्ट। मज़ा आ रहा है भाई। और ये हाईवे अभी अभी जस्ट बना है, पहले इतना अच्छा नहीं था, था पहले भी, लेकिन हाँ अब थोड़ा सा इंटर कनेक्ट कर दिया। इधर से ही आप लोग एम्स भी जा सकते हो, ओखला जा सकते हो, कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी बढ़ गई है। और सुबह सुबह लोग देखो मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए हैं। पहले जब मैं कुछ अलग शौक थे तो मैं इधर ना चोर बाज़ार के पास चांदनी चौक में ना एक बर्ड मार्केट लगती है, इतनी अच्छी बर्ड मार्केट है यार, हो सके तो दिखाऊंगा इसमें। भाई भीड़ देखो, भीड़ खतरनाक भीड़ है। पाँच सौ में राजीव, 500 में वो सो रहे हैं देखो, 500 चोर बाजार में, 500 में यार यही करने आए चोर बाजार। भाई मैं पहली बार चोर बाजार आया हूँ, 600 के 5 जूते दे रहा भाई इसने तो। मैंने भी सुना है होलसेल के जूते दे कर दी भाई। गाइस पासवर्ड देख लो, चुरा मत लेना भाई। मेरा भी हेलमेट डालना, पासवर्ड देख लो क्या। क्या ये घड़ी है? ये घड़ी है ना, घड़ी तो है, ऐसे पहनी है। हाथ दिखा अपना, बेंटन वाली है ये, बेंटन वाली घड़ी है भाई। कितने बता रहे भाई इसके? तो जी ये है चोर बाजार की कुछ मार्केट जो मैं डायरेक्टली आपको दिखा नहीं सकता। अभी गोप्रो वाले के पास हम लोग वीडियो बना रहे थे, उससे जैसे ही रेट पूछा उसने हमें गाली दी और कह रहा है कि वीडियो बंद करो। तो इससे अच्छा ही कोई हमें मार के यहाँ से भगाए कि चोर बाजार में आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ। सब कुछ मिलता है भाई, सब कुछ, होम डेकोर से लेके कपड़े लत्ते जूते, ग्रोसरी का सामान, सब कुछ मिलता है, सब कुछ। चाचा हमारे चार भाई लगा के सोए हुए, नींद खोली है उनकी, हल्ले में बताओ भाई। मज़ा तो आ रहा है, ठीक है, कुछ नया चीज़, नई चीज़ एक्सप्लोर करने को मिल रही है। बैग, और हाँ अभी आप लोगों को हुलुलुलु ब्रांड के मालिक से ही मिलवाएंगे, जो हुलुलुलु करके 500 में जूते बेचता है भाई साहब, वो जूते भी लेने ज़रूरी। ले रहा है ब्लॉक के अंदर, 600 जी लेके भाग क्यों रहा है तू? अभी चोर भाई भागूंगा, देखो तो कितने का बता रहे लेना मत ले, ले आप कह रहे हो प्यासे ले लेंगे, मैं जला दूंगा देख ले, दिला रहा है मेरे को, दिला दे राजीव, क्या लेना है हम यहाँ? अबे मुंह की छुपा, इसमें फुलुलु ब्रांड का जूता है, एक शर्ट है, एक वाली जींस है। अच्छा, और ये शर्ट है? तू नंगा आया था यहाँ पे? नंगा आया था, सब कुछ यहाँ पहना है मैंने। भाई गंदा भीड़ लग रखी है यार, गंद भीड़ है। देख रहे हो पूरा आउटफिट रेडी हो गया, 600 रुपये। 600 रुपये में? और मेरा फोन चुरवा दिया था तूने यार, फोन चोरी कर दिया था। और चोरी यार साथ ले घूमे तो, सॉरी चोर के नाम पे चाटा पड़ा भाई। लेकिन फोन मेरा गलत चोरी करवाया था तूने, वो तो अच्छा हुआ फरहान ने पकड़ लिया। डाला वैसे उसने फोन निकाला, फरहान भाई ने हमारा पकड़ लिया और चोर को पकड़ा था ना भाई। गंदा कॉमेडी क्या, ये कह रहा है फोन देख लो मेरे कहां मिले ना, अपना देख लो जेब में हाथ डाल के। चलो ठीक है भाई, फोन बच गया चोरी होने से। ये तेरा ठेला है बच्चा, दे रहा है भाई, मैच कर रहा है यार, लेकिन निकाल के तो दे। अबे ये तो आगे जा रहा भाई, अबे इसका मालिक कहाँ है? धक्का मारो भाई उधर से, धक्का मारो, हमारी भी नहीं है। बस 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 भाई कुछ तो लिया नहीं यार, टाइम पास कर रहे हो बस। दिला दे यार, दिला दे भाई कुछ, दिला दे ना ले लिया इसने।
भाई मोटा खर्चा हो गया, इतनी तगड़ी शॉपिंग कर ली ना, बता नहीं सकता। खतरनाक सामान खरीदा भाई, खतरनाक, इतना खतरनाक कि एक पन्नी में आ गया सारा सामान। और आउटफिट कौन बनेगा? असर राजीव ने लिया है सारा सामान। पैसा है, पैसा। भाई हम तो राजीव के चक्कर में आए थे कि राजीव को बहुत तगड़ी शॉपिंग करनी थी भाई, तो राजीव ने शॉपिंग कर ली है। बता दिया मैंने, फोन चोरी हो गया था, इस भाई ने बचा के दिया हमें फोन, वो बता दिया मैंने। लेकिन अब ये जो मैंने स्टोरी बनाई इसका थंबनेल क्या बना समझ में नहीं आ रहा, देखते हैं। राजीव हुलुलु। चले भाई बाइक निकाले, बाइक निकाले यार, मेरे को कुछ दिला दो यार। क्या लेना भाई जान बताओ, मैं क्या लेना, तू आज। अच्छा आजा, एक बार और मार्केट चल रहे हैं, आजा आजा, एक बार और मार्केट चल रहे हैं, आजा। भाई को कुछ दिलाते हैं, दिलाओगे क्या? अबे वो तो तू बताएगा लेना क्या तेरे को। नहीं कुछ भी दिला दे, परफ्यूम दिला दे। यार 150 में 3 में कैसे राजीव, शॉपिंग करके मन नहीं भर रहा भाई? कैसा चोरी भी तो करनी है। देख बैग भर लिया पूरा भाई, बैग भरता चला जा रहा है। उनकी चोरी करनी है ना अभी। अब हिम्मत नहीं हो रही कहीं चलने की, कुछ करने की, लेकिन ये हर ठेली पे रुक के भैया जीन्स कितने की है, ये कितने की है, वो कितने की है, जा रहा है क्या पूछने में? घर नहीं जाना क्या है? 100 रुपए की दो, ये ले पूछ लो क्या करेगा गैस का? खाऊंगा यार, सुबह सुबह कौन खाएगा भाई केले? देखो शेर आए, घड़ी भीड़ में चाहिए शॉर्ट लेके। आ जाओ भाई आ जाओ, अब जाके शॉपिंग खत्म हुई है सबकी और सारे आ गए हम लोग पार्किंग में। पहले तू व्लॉग बना ले, तू अपना व्लॉग बना ले तब मैं बोलूंगा कुछ। मैं बोल ही नहीं रहा कुछ, नहीं बना ले यार, थोड़ा और बना ले यार, अरे बना ले यार। भाई का हमारे का फर्स्ट व्लॉग है भाई का हमारा, सपोर्ट करना भाई, चैनल डाल दूंगा भाई। YouTube पे मेंशन नहीं होता भाई। पहला व्लॉग है ना, YouTube पे मेंशन नहीं होता, पहला व्लॉग है, कोई नहीं, ऐसी ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, जो भी चोर बाजार से हमें चोरी करनी थी हमने कर ली, बैग भर लिया भाई, बैग में भर लिया सारा का सारा चोर का सामान। तो भाई कहां गए भाई? वो रही ना सबसे लास्ट में खड़ी है, डरा क्यों रहा है भाई? अब यहाँ भीड़ से क्राउड से थोड़ा आगे निकल के थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं, छोटा सा पानी पियेंगे, चाय पीने का बनाकर चाय पियेंगे, उसके बाद निकलेंगे नोएडा के लिए। क्या कह रहा है हुलुलुलु? उससे मिलाएंगे ब्रेक के बाद, उसको साथ में लेके जाएंगे बाइक बिठा के, चल फैक्ट्री। ये देख नहीं भाई क्या हाल कर रखा है, हेलमेटों का इज्जत ही नहीं है भाई। कोर्ट मत देखना, चुरा लोगे, हटो कोर्ट पे जूम करने, चुरा लेना भाई, गाड़ी नंबर बता देता हूं, कॉलेज आ जाना मेरे, वहां के बाहर खड़ी होगी। 2003 खुल जा सिम, ओ नहीं खुल गई, हमें तो पता चल गया ना 2003 ही है भाई। लाइव चल रहा है, भाई हेलमेट निकालता हूँ, गिर गया तो स्क्रैच आ जाएगा, वो फिर यहाँ यहाँ दर्द होगा। तो यार पानी वानी पी लिया आपने, जो भी रिफ्रेशमेंट चाहिए था रिफ्रेशमेंट वो हो गया है। अब भाई साहब हमारे बाइक चलाएंगे, भाई ग्लव्स उसी में बैग में ही रखा हुआ है, चलो। तो ठीक है यार, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, होप करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हर बार बोलता हूँ लेकिन कोई करता नहीं है, कोई बात नहीं, अपना भी टाइम आएगा। अब चलते हैं घर को, देखते हैं घर का क्या सीन है।
और हाँ लाइक अगर अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ यार लाइक करना चलें।